नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज बाजार में किस तरीके से हलचल हुई, कल के दिन के कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनमें आप ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। उसके साथ साथ बताऊंगा दोस्तों आज के अपने ट्रेड कि आज हमने कौन से स्टॉक पे हमने ट्रेड बनाए और उनमें आज क्या देखने को मिला। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी हम कोई वीडियो आगे अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो इस वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले लेके जाएंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे हम क्यों लेके जाते हैं, उसका रीजन क्या है कि जब भी कोई पैटर्न बनता है लाइव मार्केट में, जब भी कोई पैटर्न बनता है तो हम उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपकी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग हो सके, वो भी लाइव मार्केट में। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से आपको दिखाता हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। और आज हम बात करते हैं कि पहला कौन सा स्टॉक था जो हमने आपको रिकमेंड किया था। तो पहले हमने आपको सन टीवी के बारे में बताया था, बट दोस्तों उसमें किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। दूसरा स्टॉक जो दोस्तों आपको बताया था, वो बताया था हमने ओरो फार्मा का। ओरो फार्मा में यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न बना हुआ था जिसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार। बट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि आज ओरो फार्मा में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बाजार आज पॉजिटिव ओपन हुआ था, उसके बाद बाजार नीचे आ गया। बट स्टॉक में, कई स्टॉक्स में हम देखेंगे तो कोई खास ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। तो ओरो फार्मा भी हमने ट्रेड बनाया था, बट वो वहीं पे ही क्लोज हुआ, बल्कि लॉस में ही क्लोज हुआ था, कुछ 3-4 रुपए लॉस में क्लोज हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा में हमने बताया था कि यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, बट टेक महिंद्रा के दोस्तों आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे ही आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से हम टेक महिंद्रा के चार्ट पे जाते हैं, टेक महिंद्रा के चार्ट पे हम समझते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, 30 मिनट के चार्ट पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं हम इवनिंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न, ये दोस्तों जो पैटर्न बना था वो बना था टेक महिंद्रा में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक महिंद्रा, और ये जो पैटर्न बना था वो 30 मिनट के चार्ट पे बना था, 30 मिनट के चार्ट पे दोस्तों ये पैटर्न बना था। और इसकी जो सेलिंग आई थी दोस्तों वो बनी थी 534 के आसपास, 534 रुपए पे दोस्तों ये सेल बन रहा था। और उसके बाद इसने जो लो बनाया है वो 526 रुपए 50 पैसे के आसपास का लो बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 534 रुपए पे शॉर्ट करते टेक महिंद्रा और अगर 526.50 के आसपास भी बुक करते तो दोस्तों वहां पे आपको मान के चलिए कुछ 6-7 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। तो आज भी हमने टेक महिंद्रा में ट्रेड बनाया था और हमें कुछ 9,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, वो दोस्तों मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल पे जो भी लाइव मार्केट में पैटर्न बनता है वो पोस्ट कर देते हैं और उस पे हम खुद भी ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बस बता दिया, हम खुद भी उस पे ट्रेड लेते हैं। तो इस जगह पे दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, बहुत अच्छा पैटर्न था 30 मिनट के चार्ट पे, और वहां से दोस्तों ये नीचे आ गया। अगर इसके हम अवर्ली चार्ट पे लेके जाए तो अवर्ली चार्ट पे भी दोस्तों यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे देखेंगे अवर्ली चार्ट पे भी इवनिंग स्टार पैटर्न बना था और उसके बाद ये नीचे आ गया था। तो इस स्टॉक में दो जगह कंफर्मेशन आई थी, 30 मिनट के चार्ट पे कंफर्मेशन आई थी और अवर्ली के चार्ट पे कंफर्मेशन आई थी, और उस कंफर्मेशन के हिसाब से स्टॉक नीचे आया और अच्छे पैसे देके गया। अब मैं आपको दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, वो है टाटा केमिकल के चार्ट पे। अब टाटा केमिकल का चार्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसके बारे में दोस्तों आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि टाटा केमिकल के चार्ट में यहाँ पे इस जगह भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे तो डबल टॉप पैटर्न बना है। अब मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको टेक्निकल चार्ट पे, तो मैं जल्दी से टेक्निकल चार्ट पे जाता हूँ और वहीं पे ही आपको समझाता हूँ टाटा केमिकल के बारे में। तो टाटा केमिकल का जो स्टॉक है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसका 4 घंटे का चार्ट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे दोस्तों जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेरिश एंगल्फिंग, इसको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और ये कल के लिए भी स्टॉक है, इसको आप कल भी सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसके सेल की कंफर्मेशन आ चुकी थी, आज ये स्टॉक हमें ऊपर मिला कितने पे, 288 पे, 288.50 के आसपास ये चल रहा है अभी। तो 288.50 पैसे में शॉर्ट बन रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों वो बनता है, स्टॉप लॉस लिख देता हूँ 298 के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप भी यहाँ पे बन रहा है, मैं लिख देता हूँ डबल टॉप भी बन रहा है। अब यहाँ पे डबल टॉप बना है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है जिसकी कंफर्मेशन दोस्तों सेलिंग की आ चुकी है। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव क्या है, डायवर्जेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव डायवर्जेंस।
यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ मल्टी पैटर्न्स बने हुए हैं, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है, इसके साथ साथ दोस्तों डबल टॉप पैटर्न भी है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आ रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों ये स्टॉक लग रहा है कि ये बहुत अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों कल के दिन ये स्टॉक रख सकते हैं आप, अगर कल के दिन भी आपको इसी रेट पे मिलता है तो इसको शॉर्ट करके अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। पहले आपको बताना चाहूंगा ये जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना होगा, तो प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका है। अब ये जितने भी स्टॉक है दोस्तों हम कहां रिकमेंड करते हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे जाता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है चार्ट एनालिसिस। यहाँ लिखिए दोस्तों चार्ट एनालिसिस, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको रफ करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखना आपको चार्ट एनालिसिस, आपको सर्च में लिखना है चार्ट एनालिसिस, ये लोगो हमारी पहचान है, इसको जाके जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। 21,000 लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन किया हुआ है और इसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जल्दी से जाके फ्री पब्लिक चैनल ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, और जब भी कोई लाइव मार्केट में कोई पैटर्न बनता है तो हम उसको वहां पे पोस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया। अब दोस्तों मैं आपको आज का अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आज कोई मतलब बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है, मार्केट आज पॉजिटिव ओपन हुआ था उसके बाद नीचे आ गया, बस स्टॉक में ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिली जो हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार आज गिरेगा। क्योंकि जब बाजार पॉजिटिव हुआ था, निफ्टी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे मैं कैश मार्केट का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं बताता हूँ वो कैश मार्केट के चार्ट पे बताता हूँ, और इसको मैं आपको अवर्ली का चार्ट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे, इधर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, ये इतना ही जूम हो पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आज गैप अप ओपन हुआ था, कल यहाँ पे क्लोज हुआ था निफ्टी, आज गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद इसने यहीं पे क्या बना दिया, शूटिंग स्टार पैटर्न बना दिया था। यहाँ पे देखेंगे शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, और ये बना था दोस्तों अवर्ली के चार्ट पे। यहाँ पे देखेंगे ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं वो है निफ्टी का चार्ट। तो शूटिंग स्टार पैटर्न बना था गैप अप होने के बाद, अब हुआ क्या, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी और यहीं पे दोस्तों इसकी सेलिंग की कंफर्मेशन आ गई थी। ये क्या था, इसका स्टॉप लॉस था, और उसके बाद देखो किसी तेजी से ये निफ्टी नीचे गिरा। आज मैंने अपना ट्रेड निफ्टी में तो नहीं बनाया था, बट मैंने स्टॉक्स को सेल किया था, बट आज कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं क्योंकि स्टॉक्स में भी सेलिंग के पैटर्न बने थे। एक तो सिप्ला था, मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि ये गिरेगा, और आज गिरा 583 के आसपास का लो बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से सेल किया था। मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपना लेजर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी में दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, और जिस वजह से क्या हुआ, निफ्टी भी नीचे आ गया। तो दोस्तों आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर सीखिए। कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या होता है कि जब भी बाजार में कोई रिवर्सल आता है तो वहां पे आप अपना ट्रेड बना के अपना मुनाफा कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों जल्दी से अपना लेजर दिखाता हूँ, कोई खास आज लेजर में कुछ हुआ तो नहीं, आज कुछ प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, कुछ 15,500 रुपए के आसपास का आज हमें इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ था। अब मैं दोस्तों इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आपके सामने मैंने इसको क्या करा है, रिफ्रेश करा है, ये रिफ्रेश करना है मैंने इसको, और यहाँ पे दोस्तों मैं जाता हूँ, ये रिफ्रेश हो रहा है। तो आज मैंने जो ट्रेड बनाए थे वही टेक महिंद्रा में बनाया था ट्रेड, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए टेक महिंद्रा में ट्रेड बनाया था, और जो भी ट्रेड हम दोस्तों बनाते हैं वो कैश मार्केट में बनाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ट्रेड होता है वो कैश मार्केट में होता है, वो भी इंट्राडे के लिए। तो क्योंकि ज्यादातर लोग जो ट्रेड बनाते हैं वो कैश मार्केट में ही बनाते हैं, तो उनको ध्यान में रख के हम यहाँ पे कैश मार्केट में ट्रेड बना रहे हैं अपना, वो इसलिए दिखा रहे हैं आपको दोस्तों अपना M2M, ताकि आप भी मोटिवेटेड रहे, कम मार्जिन से ज्यादा पैसे कैसे कमाए वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे आज प्रॉफिट हुआ था कुछ 9,967 रुपए का, तो कुछ मोटा मोटा 10,000 मान के चलिए मुझे टेक महिंद्रा में प्रॉफिट हुआ। दूसरा दोस्तों मैंने जो स्टॉक था वो वोल्टास लिया था, बट वोल्टास दोस्तों आज कोई खास मूवमेंट हुई नहीं, तो ये कुछ 1600 रुपए ही देके गया मुझे आज ये। इसके बाद मैंने टाटा केमिकल शॉर्ट किया था, बट टाटा केमिकल में भी कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं, यहाँ पे मुझे 850 रुपए मिले। इसके बाद मैंने M&M में ट्रेड बनाया था, तो M&M में मुझे 1164 रुपए मिले। इसके साथ दोस्तों मैंने सिप्ला में ट्रेड बनाया था, सिप्ला मुझे मिले 14,292 रुपए मिले, बट मुझे जो मोटा लॉस हुआ वो ओरो फार्मा में, ओरो फार्मा मुझे 12,000 रुपए का लॉस हुआ। ओरो फार्मा में लॉस इसलिए हुआ क्योंकि बाजार खिला ऊपर था, खुलने के बाद मैंने क्या उसे शॉर्ट कर दिया, सिप्ला भी शॉर्ट किया, ओरो फार्मा भी शॉर्ट किया। सिप्ला तो गिर गया बट ओरो फार्मा बढ़ गया, वहां से कुछ 6-7 रुपए मेरे जो रेट से ऊपर क्लोज हुआ वो 320 पे, तो वहां मुझे लॉस हुआ। बट हम इसको नहीं देखते, हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं आपको अपना ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस है मेरा वो 15,500 रुपए का है, तो 15,500 रुपए का मुझे आज प्रॉफिट हुआ।
इंट्राडे मार्केट में, वो भी कैश में ट्रेड बना के। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट शेयर किया, मैं डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट लॉस आपसे शेयर करता हूँ और उन्हीं स्टॉक में दोस्तों मैं ट्रेड करता हूँ जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया है। तो अब एक चीज और है दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं जिसमें आप डेली बेसिस पे ट्रेड बना के अपना प्रॉफिट कर सके, आपकी एक्यूरेसी 70-80% हो सके और इसके साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना ट्रेड बनाए, तो दोस्तों आप क्या करें, जल्दी से जाके मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें मैंने अपने 12 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाला हुआ है, जिसमें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलएलबी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने इसमें डाली हुई है। तो आप ये कोर्स मेरा लीजिए जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। इसमें दोस्तों आपको क्या होगा कि बेसिक से लेकर हमने एडवांस लेवल का कोर्स कराया है, बिल्कुल प्रोडक्शन हाउस से हमने इसे शूट कराया है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है और अगर आप 1-1.5 महीने की इसमें प्रैक्टिस करते हैं, इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी 70-80% की हो जाएगी। अब बात आती है सपोर्ट की, सपोर्ट क्या दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डायरेक्टली आप मेरे से बात करेंगे, मैं ही आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं मेरी कोई टीम है, टीम से बात करेंगे फिर वो मैसेज उन्हें कन्वे करेंगे, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप मेरे से बात करेंगे। दूसरा, मैं आपको अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे ऐड करूंगा, ये तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्री वाला है जिसमें कोई भी आके ज्वाइन हो सकता है, बट एक मेरा पर्सनल चैनल है जिसमें मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट ही यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जितने भी स्टूडेंट है लाइव मार्केट में यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जब भी कोई स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है तो वो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो ये जो ग्रुप है बेसिकली स्कैनर का काम करेगा और लाइव मार्केट में आपको काफी सपोर्ट भी देगा। कई लोगों को स्टॉक में प्रॉब्लम आती है स्टॉक सिलेक्शन में, तो स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो इस ग्रुप के थ्रू आपकी दूर हो जाएगी। अब तीसरी फैसिलिटी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि संडे वेबिनार करता हूँ, वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। मैं वीक में एक डाउट सेशन रखता हूँ। अब क्या होता है, कई लोगों के डाउट होते हैं तो वो डाउट कहाँ पे पूछेंगे, तो वो डाउट क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक वेबिनार रखा है जो मैं संडे करता हूँ, संडे को रखता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैं नई नई चीजें भी सिखाता हूँ आपको, इसके साथ साथ मैं डाउट भी दूर करता हूँ। तो दोस्तों ये सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कल के लिए, कल के दिन में आप कौन से स्टॉक में ट्रेड बना सकते हैं। पहला स्टॉक वही है दोस्तों, मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ, वो है ओरो फार्मा। ओरो फार्मा में आप शॉर्ट कर सकते हैं, कल आपको अगर मिलता है ऊपर तो आप शॉर्ट करिए। इसके बारे में ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सा पैटर्न इसमें बना हुआ है। सिप्ला फिर से बोल रहा हूँ, 593 के आसपास मिलता है, फिर से उसे शॉर्ट करिए। तीसरा स्टॉक दोस्तों जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो तीन स्टॉक हो गए जिसको आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा सन टीवी है, वो 375 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सन टीवी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो सन टीवी का जो चार्ट है यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, सन टीवी में पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न, बट इसकी कंफर्मेशन अभी आई नहीं है। अब इसकी सन टीवी की जब कंफर्मेशन आएगी तभी इसको आप शॉर्ट करेंगे, बट अभी कंफर्मेशन आई नहीं है। ये यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यह है शूटिंग स्टार पैटर्न। नेक्स्ट बेरिश है, अभी 392 चल रहा है, जैसे ही नीचे आता है और 375 के नीचे ट्रेड कराता है दोस्तों शॉर्ट कर देना, बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। तो ये कुछ कल के लिए स्टॉक है जो मैंने आपको रिकमेंड कर रहे हैं। एक चीज और है दोस्तों, अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल ब्रोकिंग का। अब मैं एंजल ब्रोकिंग को ही क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी ब्रोकर हो सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकता हूँ, बट एंजल ब्रोकिंग को प्रमोट करने का सबसे बड़ा मेरा रीजन ये है कि इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इनकी सर्विसेज बहुत अल्टीमेट है, इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इनका सर्वर है बहुत अच्छा है, कभी हैंग नहीं होता, मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो आप आराम से ट्रेड बना सकते हैं। बट और ब्रोकर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैंने और जगह भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराया था, बट जब बाजार में मूवमेंट होती है तो हैंग हो जाता, मैं ट्रेड ही नहीं बना पाता था। अब क्या होता था, प्रॉफिट मेरा से छूट जाता था। तो उस केस में मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया कि एंजल ब्रोकिंग के साथ जाओ, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ। हालांकि मैं इस ब्रोकर के साथ काफी टाइम से काम कर रहा था, बट बीच में मैंने काम रोक दिया था। अब मैं इस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ 6 महीने हो गए हैं और दोस्तों बहुत अल्टीमेट सर्विसेज हैं। अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, इस लिंक के थ्रू फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। इनकी सर्विसेज मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छी है। और एक चीज और आपको दोस्तों बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो ब्रोकर है, अगर आप अपने फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो मार्जिन तो आपको देता ही देता है, इसके साथ साथ मैं भी आपको संडे का जो वेबिनार होगा वो आपको फ्री दूंगा। तो आप अगर एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो जल्दी से जाके इस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। अगर आपका डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन है दूसरे ब्रोकर के साथ, तब भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन कराइए, क्योंकि दूसरा ब्रोकर आपके पास होना चाहिए। अगर एक ब्रोकर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो दूसरी जगह ट्रेड अपने बना पाओ। तो जल्दी से जाके यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और संडे का वेबिनार फ्री पाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।